हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे जैसा कि साथियों, बीपीएससी द्वारा 31 तक कैलेंडर में अपडेट किया गया था कि आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट में चुके केस है और 5 सितंबर को अगली सुनवाई की डेट मिल गई है, तो यहाँ पर एक अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पर मात्र आपको 5 दिन का समय दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट काम करना है यहाँ पर, जो भी 67th में अपीयर हुए थे, चूँकि अब रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग उससे पहले यहाँ पे देखेंगे एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके अपडेट दिया गया है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पे देखेंगे 31/8/2023 और ये इम्पोर्टेंट नोटिस है 67th कम्बाइंड मेंस रिटेन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखेंगे तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। कम्पिटिटिव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन हैव टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो चलिए इस नोटिस को पूरा डिटेल्स में समझते हैं। तो जैसा कि देखेंगे यहाँ पे हमने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना है। 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड से लॉग इन करते हुए डैशबोर्ड पर अपना संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र दिनांक 1/9/2023 से 5/9/2023 तक 100 KB PDF साइज अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पे जो यूज़र आईडी है, तो वो यूज़र आईडी आपका जब फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो फॉर्म फिलअप करते समय जो आपका यूज़र आईडी था और जो आपका पासवर्ड था, सेम वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज करके बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना है आपको। और लॉगिन करके आपको जो सभी आवश्यक दस्तावेज वहाँ पर मांगे जाएंगे सभी को अपलोड कर देना है आपको। स्कैन कॉपी क्लियर होना चाहिए और PDF का साइज़ आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखेंगे तो उक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे निर्धारित साक्षात्कार तिथि को अपलोड किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 2 सेट 6 प्रति के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। किसी भी प्रमाण पत्र के लिए अलग से कोई समय देय नहीं होगा। यहाँ पर मैं शुरू से ही बोल रहा था अभ्यर्थियों को कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर BPSC ने क्लियर मैंशन भी कर दिया है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था कि रख लीजिएगा, ओरिजिनल हो गया जैसे, तो उसको यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है अपने यूजर आईडी माध्यम से। और ये समय आपको केवल 1 से 5 अगस्त तक दिया गया, 5 सितंबर तक दिया गया है और 5 दिनों में आपको कर लेना है ये काम। बाद में आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए। और जो अपलोड करेंगे यहाँ पर, वही आपका 2-2 सेट जीरोक्स और ओरिजिनल लेके जाएंगे इंटरव्यू में जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तब। अब रही बात कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो जो 5 सितंबर की सुनवाई है उसके अधीन उसमें क्या निकलता है मामला, हाईकोर्ट क्या बोलती है, अपडेट देती है उस पर रिजल्ट जारी करने के या नहीं, तो रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अब मान चलिए कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट निकाल दिया गया है, तो BPSC को कुछ पता होगा इसके रिजल्ट के बारे में कि कब जारी करना है, इसीलिए वो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रही है, जैसा कि टीचर वाला भी करा रही है। तो आई होप सब लोग अपना काम कर लेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे जो भी अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशंस में। सभी डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करना है आप लोगों को, उसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइए, जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद।